आज हम लोग पिरामिड का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइज 30 मिलीमीटर एंड एक्सिस लेंथ 60 मिलीमीटर इज रेस्टिंग एज पी ऑन वन ऑफ इट्स सैलेंट एजेस। जो हम लोग को अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सैलेंट एज के अबाउट है। तो पिरामिड पेंटागोनल पिरामिड का तो आप लोग करिएगा, हम हेक्सागोनल पिरामिड को सैलेंट एज के अबाउट समझा रहे हैं विद एक्सिस पैरेलल टू वीपी डॉट प्रोजेक्शन। तो सैलेंट एज के अबाउट है कहाँ पे, तो एचपी में रखा हुआ है। तो उन्होंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में लेटा होगा उसी प्लेन में उसको खड़ा करेंगे, तो उसी प्लेन में खड़ा करेंगे तो बेस कहाँ जाएगा, टॉप व्यू में जाएगा। जैसे हम ये एचपी में लेटा हुआ है पिरामिड, इसको एचपी में हम खड़ा कर दिया, स्टैंड किया, तो इसका बेस कहाँ गया, तो बेस टॉप व्यू में गया। अगर ये वीपी में लेटा हुआ है, इसको वीपी में हम स्टैंड करेंगे तो बेस कहाँ जाएगा, बेस फ्रंट व्यू में जाएगा। तो इस कंडीशन में बेस कहाँ बनेगा, टॉप व्यू में, ठीक है। तो हेक्सागन बनेगा टॉप व्यू में। और सैलेंट एज के अबाउट है तो उसका एक एज कैसा होगा, तो कंडीशन देखिए कि सैलेंट एज के अबाउट क्या कहता है। तो एक कंडीशन है कि व्हेन ए पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन एचपी और वीपी ऑन वन ऑफ इट्स सैलेंट एजेस विथ एक्सिस पैरेलल टू वीपी और एचपी देन फॉलो कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर टू के अकॉर्डिंग काम करना है। तो कंडीशन नंबर टू में देखिए क्या कह रहा है कि वन साइड शुड बी पैरेलल टू रेफरेंस लाइन फॉर हेक्सागोनल पिरामिड। अगर हेक्सागोनल पिरामिड होगा तो उसका एक साइड पैरेलल करना होगा, ठीक है। अगर पेंटागोनल पिरामिड होता तो एक साइड परपेंडिकुलर होता, ठीक है। वन साइड शुड बी परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन फॉर पेंटागोनल पिरामिड, और स्क्वायर होता तो हमको इक्वली इंक्लाइन करना पड़ता। तो खैर यहाँ पे सैलेंट एज के अबाउट कौन हेक्सागोनल पिरामिड है, तो हेक्सागन के लिए क्या होना है, वन साइड शुड बी पैरेलल टू रेफरेंस लाइन। तो एक साइड पैरेलल अगर बनाना हो हेक्सागन, तो हमको यहाँ पे देखिए ये वाले क्वेश्चन में हमने बनाया है यहाँ पे ये एक साइड किया है हेक्सागन का, पैरेलल टू रेफरेंस लाइन है। तो हेक्सागन ऐसे बन जाएगा, बनाने आता है, एक साइड को पैरेलल किया 120 डिग्री पे हेक्सागन बना दीजिएगा आप, और ये इसका फिर टॉप व्यू बना दिया हमने, फ्रंट व्यू। तो ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू बन गया एक साइड पैरेलल करके। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को कि अब ये बनने के बाद क्या है कि सैलेंट एज को कहाँ लाना है, ऑन एचपी। तो पहले ये देखना है कि इसमें सैलेंट एज कौन है। ये जब भी गिरेगा तो या तो इसके अबाउट गिरेगा या इसके अबाउट गिरेगा, मतलब या तो ओ डैश डी डैश के अबाउट गिरेगा या ओ डैश ए डैश के अबाउट गिरेगा। जब भी गिराएंगे इसको तो या तो ओ डैश ए डैश के अबाउट गिरे या ओ डैश डी डैश के अबाउट गिरे। तो आपको ये देखना है कि इसमें सैलेंट एज कौन है। तो हम देखते हैं ओ डैश डी डैश को। तो ओ डैश डी डैश का टॉप व्यू क्या है, ओ डी। ओ डी क्या है, ओ डी ट्रायंगुलर फेस है या एज है। तो ओ डी सिर्फ एक एज है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ये सैलेंट एज है, ठीक है। अब इसको देखिए ओ डैश ए डैश को देखिए, ओ डैश ए डैश का टॉप व्यू क्या है, ओ ए है कि नहीं। यहाँ से देखिए फिगर ओ डैश ए डैश है ना, तो ओ डैश ए डैश का टॉप व्यू क्या है, ओ ए। ओ ए क्या है, तो ओ ए एक एज है, तो इसका मतलब ये भी सैलेंट एज है। तो आप यहाँ पे फ्री हैं, आप जिसके अबाउट चाहे आप इसको गिरा सकते हैं। आप ओ डैश डी डैश के अबाउट गिराइए या ओ डैश ए डैश के अबाउट गिराइए, कोई मसला नहीं है। तो हम गिरा रहे हैं इस बार ओ डैश डी डैश के अबाउट। तो हम डी डैश या इसके अबाउट ऐसे गिराएंगे तो क्या होगा, डी डैश पहले आएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया डी वन डैश, और ओ डैश कहाँ जाएगा, इसके राइट में जाएगा। तो ओ डैश कहाँ आएगा उसको मेजर कर लेंगे। तो डी डैश से ओ डैश को मेजर कर लीजिए, ये हो गया, उतना ही यहाँ से हम कट कर दिया। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया ओ वन डैश। अब क्या करना है, डी से हम ओ से ए मेजर कर लीजिए, ओ वन डैश से ए वन डैश मेजर कर लिया, देखिए ओ से ए मेजर कर लिया, उतना ही ओ वन डैश से हम एक आर्क कट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम के आर्क कट कर दिया। अब डी से डी वन पता है तो हमको ए वन पॉइंट फाइंड करना। तो ए वन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम, ओ वन से ए वन को मेजर किया, ओ वन से ए वन आर्क कट किया। अब डी वन से ए वन को मेजर करेंगे, तो डी डैश से ए डैश को मेजर किया, मेजर कर लिया, उतना ही डी वन से हम यहाँ पे आर्क कट करेंगे। दोनों आर्क कहीं पे कट करेगा, करा कि नहीं करा, देखिए तो दोनों आर्क यहाँ पे कट किया। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए वन डैश हो जाएगा। तो इसका आर्क को आप इरेज कर लीजिए, लाइट छोड़ दीजिएगा, पॉइंट हमको सिर्फ मिला, मिलना चाहिए, पॉइंट मिल गया। ये कौन सा पॉइंट हुआ, ए वन डैश। अब इसको मिला दीजिए, ए वन डैश से डी वन डैश को मिला दीजिए, और ए वन डैश से ओ वन डैश को मिला दीजिए, और इसको मिला दीजिए, तो ये ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे डी वन ए वन डी वन डैश पे बेस पे बहुत सारा पॉइंट है, इसको फाइंड करना है तो फाइंड कर लीजिए। डी वन डैश से सी वन डैश को मेजर कर लीजिए,
उतना ही डी वन डैश से हम सी वन डैश को कट के देखिए, मेजर करेंगे डी वन से तो कट भी डी वन से करेंगे, ऐसे नहीं मेजर करिए डी से और कट कर दीजिए ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो डी वन डैश से मेजर किया तो ये पॉइंट हो जाएगा सी वन डैश और ई वन डैश। फिर हम डी से मेजर किया सेंटर एक्सिस लाइन को या सेंटर को, ठीक है ये मेजर किया और यहाँ से हमने इस पर कट कर दिया, एक्सिस कट हो गया। अब डी से हम मेज़र किया बी पॉइंट को, बी डैश को, उतना ही डी वन से हम बी पॉइंट को कट किया तो ये हो जाएगा बी वन डैश एफ वन डैश। अब इसको मिला दीजिए, ये डार्क है इसको भी मिला दीजिए, ये भी डार्क होगा और ये जो लाइन होगा ये एक्सिस लाइन होगा। ये हो गया एक्सिस लाइन। तो ये फिगर यहाँ पे कॉपी हमने कर लिया, मतलब इसको आपने सिलेंडर के बाद इसको रख दिया। अब इसका टॉप भी बनाना है तो डी वन को नीचे लाइए और यहाँ से डी को बढ़ाया, दोनों जहाँ पे कटा ये पॉइंट हो जाएगा डी वन। सी वन डैश से लाइए नीचे, यहाँ सी से लाया ये कौन सा पॉइंट हो गया सी वन। यहाँ पे इवन है और इवन यहाँ पे भी है, ई से बढ़ाइए दोनों को तो ये पॉइंट हो गया इवन। अब यहाँ से बी वन डैश को नीचे लाइए, यहाँ से इसको बढ़ाइए बी को तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बी वन। और यहाँ से एफ वन को बढ़ाइए तो ये पॉइंट हो गया एफ वन। अब ए वन को नीचे लाइए यहाँ से और यहाँ से लाएंगे ए को तो ये पॉइंट हो गया ए वन। अब ओ वन डैश नीचे लाइए लाइन को और यहाँ से बढ़ाइए ओ से, वो इसी लाइन पे ना है, ये इसी लाइन बढ़ेगा, ये वाला लाइन जाएगा यहाँ तक तो ये पॉइंट हो जाएगा ओ वन। सारा पॉइंट मिल गया। अब इसको यहाँ पे विजिबिलिटी, विजिबिलिटी के लिए वही चीज़ है कि बेस पे खड़े हो जाइए यहाँ पे, तो बेस पे देखेंगे तो ये सब साइड बाहर का है कि नहीं, कैसे ये लाइन एक से जो लाइन जा रहा है तो ए के लाइन से ये बी का लाइन कहाँ है, बाहर या अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे देखिए हम बाहर इधर आएंगे, क्योंकि इधर आएंगे तो ये ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे, अगर इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हम ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे और इस डायरेक्शन में आएंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब कि ये डायरेक्शन बाहर का है तो ए से बी का पॉइंट बाहर या अंदर है, देखिए हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, यहाँ से ए से बी का पॉइंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो मतलब ये बाहर का है। बी से सी का लाइन भी क्या है, बाहर का है, सी से डी का लाइन बाहर का है, इसका मतलब सब लाइन ये बाहर का है। इसका मतलब यहाँ पे सब जो एज है सारा कॉर्नर दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो बेस बनेगा सारा बेस विजिबल होगा। तो ए वन से बी वन, बी वन से सी वन, सी वन से डी वन, डी वन से ई वन, ई वन से एफ वन, एफ वन से ए वन, ये सब विजिबल हो गया पूरा बेस। अब आते हैं सबको मिलाएंगे ओ से, तो ओ से कौन कौन विजिबल होगा, तो इसमें फिर कहता है कि अगर फ्रंट से टॉप में आ रहे हैं तो एक्सिस के ऊपर विजिबल, बिलो एक्सिस इनविजिबल। तो एक्सिस के ऊपर कौन कौन है, तो ओ वन डैश ए वन डैश एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब ओ वन ए वन क्या होगा, विजिबल होगा। तो यहाँ से ये जो लाइन हुआ ओ वन से ए वन, ये विजिबल लाइन होगा, ठीक है। अब आते हैं ओ वन बी वन, ये भी एक्सिस के ऊपर है तो ओ वन बी वन विजिबल होगा, तो ओ वन से बी वन जो है इसको विजिबल कर देंगे। ओ वन से एफ वन, ये भी एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब ओ वन से एफ वन भी क्या होगा, विजिबल होगा।
उसके बाद फिर अब बिलो एक्सिस कौन कौन हुआ, तो ओ वन से सी वन बिलो एक्सिस है, तो इसका मतलब ये इनविजिबल होगा, तो ओ वन से सी वन जो है ये इनविजिबल होगा। और यहाँ पे ओ वन से ई वन भी बिलो एक्सिस है, ये भी इनविजिबल होगा, तो इसको भी इनविजिबल कर दीजिए। ये हो गया। अब लास्ट हमको देखना है ओ वन से डी वन, तो ये ओ वन से डी वन भी क्या है, बिलो एक्सिस है ना, तो ओ वन से डी वन जो है ये भी एक्सिस के नीचे है, तो इसका मतलब ओ वन से डी वन इनविजिबल होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो विजिबल है, तो यहाँ से यहाँ तक विजिबल लाइन पे इनविजिबल लाइन चलेगा तब भी लाइन विजिबल ही होगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक इनविजिबल होना चाहिए था, ओ वन से डी वन तक इनविजिबल होना चाहिए था, लेकिन ओ वन से ए वन तो विजिबल है क्योंकि ओ वन से ए वन एक्सिस के ऊपर है, इसलिए यहाँ तक तो विजिबल रहा। इसका मतलब इनविजिबल कहाँ से कहाँ तक बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इनविजिबल लाइन बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये क्या होगा, इनविजिबल होगा। तो ए वन से डी वन तक क्या होगा, इनविजिबल होगा। तो ये हम लोगों का फाइनल फिगर कंप्लीट हो गया, कब, जब यहाँ पे सलाइंट एज के अबाउट हो, तो इसको आप लोग ट्रायंगुलर फेस के अबाउट आप लोग बनाइएगा, इसको ट्रायंगुलर फेस के अबाउट, ठीक है। तो ये हम लोगों का पिरामिड ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पोस्ट करेंगे वो वीडियो होगा प्रिज्म के लिए, तो प्रिज्म का कंडीशन पहले हम दिखा देंगे आपको, प्रिज्म के लिए कंडीशन है, प्रिज्म के लिए तीन कंडीशन बनता है, वो कंडीशन लिखाएंगे और फिर उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।